अब सेंट्रल स्टेट हर मंजब करना है अपना। सो फाइनली एनएलसी इंडिया का जो आज पेपर था 17 नवंबर का, उसका जो रिव्यू है मेरे पास आ चुका है, कैसा पेपर था और क्या था, ठीक है। तो उस बेसिस पे जिनका पेपर 24 नवंबर को है तो उनको प्रॉपर मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है, एक क्विकली हम चेकलिस्ट देखेंगे एनएलसी के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। और जो आपके टॉपिक है वो क्या है आपके इंपॉर्टेंट, जो आपको मतलब एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आप, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपना प्रिपरेशन रिसर्च का जो वीडियो था एनएलसी का, जिन्होंने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया है, सेम टू सेम जो अपना स्ट्रेटजी था वो उन्होंने अप्लाई किया है और उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। तो आउट ऑफ 120 लगभग 100 to 105 में से अटेम्प्ट बहुत जन की हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोला था कि जो स्ट्रेटजी वीडियो अपना प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है। और उसका लिंक जो है वीडियो का, ये वीडियो के बाद में मैंने अटैच करके रखा है, वो आपको देखना है, ठीक है। इस वीडियो में जो उस वीडियो में नहीं है, थोड़े एडिशनल पॉइंट कि क्या एग्जाम में आया था, ठीक है, तो वो मैं जस्ट अपडेट करने वाला हूँ। तो जस्ट ये वीडियो आपका अपडेशन होगा प्रिपरेशन रिसीट का, जो आपका आगे वीडियो है, ठीक है। तो वो आप कंपल्सरी देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें से ही पूरा अपना स्ट्रेटजी 100% वर्क किया, जैसे बीआरसी को किया ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट थिंग, जो पेपर था आपका वो टेक्निकल सेक्शन अगर हम देखें, जैसे मैं आपको बोला ऑलरेडी कि आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा और वैसे ही था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन थे, दैट्स व्हाई मैं आपको जो बोला था स्ट्रेटजी वीडियो में कि ईएससी के लास्ट 10 ईयर्स पेपर और गेट के 1 मार्क क्वेश्चन इनफ है, उनके अगर आप कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आप कर पाते हो, अच्छे से याद रख पाते हो, तो इनफ है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे ही पेपर में था, ठीक है। नॉन टेक सेक्शन में थोड़ा एक उन्होंने अच्छा किया कि थोड़ा पेपर लेंदी कर दिया, ओके। जो मैथ्स था आपका वो थोड़ा आपका लेंदी था, बाकी इजी था पेपर मैथ्स और नॉन टेक का भी, तो वो भी ये था, ठीक है। तो मैथ्स के आपके लगभग 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी आपके 10 क्वेश्चंस आए, ठीक है, मैथ्स के आपके 20 आए। और जो आपका जीके था, जीके और करंट था, वो आपके 5 क्वेश्चन, और आपका इंग्लिश जो था, ठीक है, लगभग आपके 5 क्वेश्चन। तो ऐसा आपका जो नॉन टेक का जो ब्रेकडाउन है 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस का, वो इस तरीके से है, ठीक है। तो अभी इसमें और मैं एक चीज हम बताना चाहता हूँ कि जो एक क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या मैंने बोला था, ठीक है, कि टेक्निकल आपके ये आपको करना है प्रिपरेशन रिट में, मैं आपको बोला था, ठीक है, उसका ही कंटेंट में लिया है इधर, इसलिए इधर ही दिख रहा है आपको। तो ईएससी के लास्ट 10 गेट 1 मार्क क्वेश्चन कर लो। नॉन टेक में थोड़ा अपडेशन है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जीके छोड़ दो, ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम है और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो तो इधर आप 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, 1 to 2 मार्क्स एडिशनल, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो आपके पास अभी टाइम हो, मतलब पूरा आपका प्रिपरेशन रेडी है, जस्ट आपने जीके नहीं कुछ भी नहीं किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी मत करो, लेकिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स करो, ओके, थोड़ा बहुत लूसेंट का देख लो, और कोई भी आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हो उसमें से भी, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको बोलूंगा अभी कि लास्ट 12 मंथ के आपको नहीं करने, लास्ट 6 मंथ के करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर का, जिसमें भी लास्ट 6 मंथ में से मैं आपको बोलता हूँ कि नवंबर एंड अक्टूबर बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है, नवंबर अक्टूबर आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और बाकी जो रह गए आपके मंथ वो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन नवंबर अक्टूबर एक बार करके रखो, ठीक है। अपना जो वेबसाइट है अपना gov.org, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, ओके। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, ठीक है, तो जैसे आप वेबसाइट पे वेबसाइट ओपन करोगे वैसे आपको दिखेगा इधर कि करंट अफेयर का अपना सेक्शन है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से उस पर क्लिक करना है, ओके। अभी इधर आपके पास जो रोज अपने करंट अफेयर इधर आते हैं हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो, ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको क्विकली सिलेक्ट डेट पे क्लिक करना है, 2020 नवंबर मंथ है, ठीक है, ये देखो, तो नवंबर में जितने भी अब तक डेज अपने हुए हैं आपके एग्जाम तक आपको लगभग 20 कर लो, 24 को पेपर है ना, तो 20-22 तक कर लो करंट अफेयर, ठीक है, तो 20 तक ही कर लो, नवंबर का हो गया। और अक्टूबर का आप जैसे क्लिक करोगे तो वैसे अक्टूबर का देखो 31, 29, ठीक है, तो सब आपके अक्टूबर के डेज इधर है, तो क्विकली जैसे आप क्लिक करोगे इधर ओपन होगा, जस्ट एक बार रीड कर लो प्रॉपरली करंट अफेयर, ठीक है, तो ये आप सब ऐसा रीड कर सकते हो एक एक डे का, तो जस्ट उसका मतलब नवंबर और अक्टूबर का रीड कर लो क्विकली, ठीक है, इतना इनफ है, और बाकी देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना जीके जो आपका सेक्शन है उसका, बाकी इंग्लिश का सेम रहेगा स्ट्रेटजी जो मैंने बताया था, ओके। और एक चीज ये प्रिपरेशन रिसीट में अपना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट यही टॉपिक आपको दिखेंगे एग्जाम में भी,
तो ये अगेन मैं आपको बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएलसी के लिए, तो ये आप फिर से इसको करो ठीक है। डीआई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका मैं क्या बोला था आपको कि परसेंटेज रेशियो एवरेज और एजिस में करना है आपको ठीक है। इसमें जस्ट एक टॉपिक ऐड कर लो पजल्स, ओके। तो पजल का मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको क्या बोला था कि आईबीपीएस के पेपर आप देख लो एक बार ठीक है। तो आईबीपीएस में आपको पजल डेफिनेटली मिलेगा, तो पजल भी आपका आया है एग्जाम में ठीक है। तो आपका पजल है, डीआई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जस्ट इसमें अपडेशन था आपका मैथ्स में और रीजनिंग में, ओके इतना ही अपडेशन था, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी सेम सब जो अपने टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोला है आपको जो इम्पोर्टेंट है, एक बार इनका क्विकली रिविजन कर लो, मतलब मेक श्योर कि ऑल द टॉपिक्स यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, ओके। तो ये आपका एनएलसी का पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था और यस प्रॉपरली आप आराम से मतलब 100-105 में अटेम्प्ट कर सकते हो ठीक है। और जो बाकी के ब्रांचेस है उनका भी सेम आएगा पेपर, तो टेंशन की जरूरत नहीं है ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो आपको जो भी अपडेट आएगा उसका मतलब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो आपको पता चलेगा ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अभी वीडियो आपका इधर आएगा वो आप वीडियो देख लो प्रिपरेशन रिसर्च का एक बार ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर एनएलसी, एंड यस जो 24th को होगा आपका तो मुझे रिव्यू जरूर भेजना। ऑल द बेस्ट।